इस टाइम रिट ऑफ द स्टेट और रिट ऑफ द गवर्नमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए और उसको बताया जाए कि एक गवर्नमेंट भी मौजूद है, एक स्टेट भी मौजूद है। दो दिन पहले जब पुलिस वालों ने वहाँ से सारे किनाल को क्लियर कराया और वहाँ से टेंट वगैरह उखाड़े, क्योंकि ट्रैफिक जैम थी इतने दिनों से, वहाँ पे लोग बहुत तंग हो रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी, उन्होंने कहा जी दोबारा यही मसला बन जाएगा तो हमें ये बंद करना है ताकि हम इसको चेकिंग करके आने दें, वेपन भी अंदर हैं, सारा कुछ है। मैंने कहा नहीं, आप रोडें खोलें और ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो लोग दोबारा इस तरह वही चीज़ करेंगे, हो गया जो होना था। उससे पहले आप सब लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि पुलिस गेट पे पहुंच गई थी और वापस क्यों हुई, और रेंजर्स भी साथ थी, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। दोनों दफ़ा मैंने उनको वापस आने का कहा था। उसकी वजह, आज के दिन तक हमारी कोशिश यही है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे माहौल ख़राब हो, जिससे कोई जानी नुकसान हो। और जब पुलिस वहाँ पे थी, वो आगे जाना चाह रही थी, लेकिन उनको पता था सामने वेपन्स वाले भी खड़े हुए हैं, उनको सामने सारी इन्फॉर्मेशन थी, उनके पास ड्रोन की फुटेज भी थी, सब कुछ मौजूद था। दोनों टाइमों में मैंने उनको कहा नहीं, आप लोग वापस आ जाएं। मैंने उस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली। उसकी वजह ये है कि मैं किसी सूरत नहीं चाहता था कि कोई खून खराबा हो। उसके बाद जब हमने कैनाल खोल दी, उस दिन रात को पहले एक पुलिस वाला अपने घर जा रहा था, अभी फुटेज भी मौजूद है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जो उसके साथ सलूक हुआ, उसको बकायदा मारा, उसको भागना पड़ा वहाँ से, उसको लोगों ने कुछ ने बचाया। उसके बाद एक एलीट की गाड़ी गुजर रही थी, ये रात तकरीबन 1:30 बजे की बात है, वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे, उनको रोका, उनको रोक के उनके वेपन छीने के, दो आई थिंक दो लोगों के वेपन्स ले लिए उन्होंने, और उसके बाद उस गाड़ी को तोड़ा पहले, और तकरीबन 3-3:30 बजे उस गाड़ी को किनाल में फेंक दिया। अब इस सारी चीज़ के बाद आप ख़ुद बता दें कि किस तरीके से रिट कायम रहती है, कि अगर पुलिस की गाड़ी एक रोड से गुजर रही है और आप उसको रोक रहे हैं और उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप उसको पानी में फेंक रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता है, ये तो मुझे पता है। तो उसके लिए मैंने आईजी साहब को भी कहा है कि उनसे बता दें, अपनी एक डेडलाइन उनको दे दें आज की, कि अगर आज एक टाइम मुकर्रर कर दें कितने बजे तक या कल सुबह तक, जो वो मुनासिब समझते हैं। ये मैं आज के बाद उनको, मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी, अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे, अब वो चीज़ नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप करके, मेरी वजह से कि जी मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। उनको मैं बहुत दिनों से हौसला दे रहा था, बहुत दिनों से उनको कह रहा था कि नहीं, आप लोगों ने सब्र करना है, अगर आपको मार भी रहे हैं आपने कोशिश करना है, नहीं उनको मारे, पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वहाँ पे आप लोगों को भी पता है, वो सूफी बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दी में मुलव्वस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। आप कल एक थ्रेट लेटर भी आया है, वो किसी के और चक्कर में आके वहाँ पे दहशतगर्दी भी करेंगे लोग, अल्लाह ना करे वो, उसके लिए भी इंतज़ाम पुलिस वाले कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये वाली एक्टिविटी नहीं करती किसी भी। आप लोगों की भी बहुत सालों की, मेरे ख्याल में 20-20 साल, 15-15 साल की एक्सपीरियंस है, इस तरह की एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ना इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें हर सूरत में अब रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है, और अगर कोई, मैं अपने पुलिस वाले के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूँ, अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा, उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो
एक दफ़ा उनको भी पता चलेगा।